हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दूध पुआ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि ये बिना तले भुने बनता है और साथ ही ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो इसे का आप फुल वीडियो ज़रूर देखें, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप चावल के आटे। ये बहुत ही ईजी से मार्केट में भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो घर पे भी चावल को आप धोकर सुखाकर उसे ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी जार में। तो यहाँ पे चावल के आटे को अच्छे से छान लिए हैं, 1 कप लिए हैं, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे करीब हमें 2 कप पानी लग जाएंगे। हमने यहाँ पे अंदाज से पानी लिया है, लेकिन करीब वो 2 कप पानी था। अगर उससे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो देख लीजिए, इस तरीके के होने चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, एकदम से बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप कैमरा में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का बैटर बनाकर करीब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे, तब तक हम इधर आगे का जो काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पे करीब हम 1 लीटर दूध लिए हैं और यहाँ पे चीनी हम 200 ग्राम लिए हैं और 4 से 5 इलायची लिए हैं। तो मिठास अगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कम मीठा पसंद हो तो। यहाँ पे हम चीनी को इसमें डालेंगे और जो इलायची पाउडर है उसे हम इसमें कूट कर डाल देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ खास सामग्री की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे अब हम गैस पे चढ़ाएंगे और अच्छे से हम इसे मेल्ट करेंगे। जो चीनी हमने डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दिया है, गैस पे इसे चढ़ा दिया है और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। जो हमने चीनी रखा है वो बिल्कुल खड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे अच्छे से आप मिक्स करते जाएँ और इसे हमें अच्छे से उबालना है। तो इसे उबलने में करीब 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, गैस का फ्लेम हाई करें। और यहाँ पे देखिए अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम गैस बंद करेंगे इसे 1-2 बार चलाकर, और हम इसे कवर करके ही रखेंगे ताकि ये दूध ठंडा ना हो। तो गैस बंद करेंगे और इसे हम जल्दी से कवर करके रख देंगे साइड में। इधर बैटर को देखेंगे, यहाँ पे करीब 3 से 4 घंटे के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो है, अगर 4 से 5 घंटे आप रखे हैं तो फूल जाता है चावल के आटे और वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें आप 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिला लें। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जो आयरन के तावे हैं उस पर हमें इसे नहीं बनाना है। आयरन के तावे पर भी बहुत ही ईजी से बन जाते हैं, आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे आयरन के तावे पर भी बनाकर, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में और आयरन के तावे में बनाने के बाद क्या अंतर रहता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन में बनाने वाले हैं। ये बहुत ही ईजी से मार्केट में मिल जाते हैं 20 से 25 रुपए में। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, जब ये गर्म हो जाए तवा मिट्टी का, तो इसमें हम 1 कलछी सेंटर में ही रखना है, जो बैटर हमने तैयार किया उसे रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ मिनट के बाद इसमें अपने आप होल्स होने लगते हैं। यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने सारे इसमें होल्स हो गए हैं। इससे पता चलता है जो हमने बैटर तैयार किया है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो इसे हम कवर कर देंगे। कवर कर देने से क्या होगा, एक अच्छे से तो होल भी हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इन्हें कुक होने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो इसे हम 5 से 6 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हैं, किनारे से भी दरारें आ गए हैं और यहाँ पे जो सेंटर में है वो हाथ में नहीं चिपक रहे हैं इस तरीके से दबाने से। या फिर अगर आपको गर्म ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे चाकू अंदर करके देख सकते हैं, जब क्लीन आए तो समझ जाइए कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब आप इसे आराम से चारों तरफ से करके निकाल सकते हैं। ये देखिए अंदर थोड़ा भी नहीं चिपके हैं और ये बहुत ही अच्छे से कुक भी हो गए हैं। फिर हम इसी तरीके से बाकी के जो बैटर तैयार किए हैं, एक एक करके हम दूध पुए जो है वो तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इसमें होल्स हुए हैं, किनारे तक हो गए हैं और ये कुक भी हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक तरफ से कुक किया है तो बीच में कच्चा है, या फिर यहाँ देखिए इतना देर कुक होने के बाद भी पीछे से जला नहीं है और एकदम ये सुनहरा गोल्डन हुआ है। तो इस तरीके से आप बनाए, और जो हमने दूध गर्म कर रखे हैं उसमें हम इसे डाल देंगे, क्योंकि गर्म दूध में जब डालेंगे तो ये बहुत जल्दी घुल भी जाएगा और थोड़ा बहुत कच्चा होगा वो कुक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दे। दूसरे में भी उसी तरीके से होल्स हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे भी हम इसमें डालेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरीके से फूलने देंगे दूध में। हम यहाँ पे आयरन के तावे पर भी बनाकर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा कच्चा प्याज के टुकड़ा लेंगे और इसे हम ग्रीस कर देंगे, तावे पर अच्छे से घस देंगे ताकि ये चिपके नहीं तावे में, क्योंकि आयरन के तावे में चिपक जाते हैं, क्योंकि हमने इसे बिना तेल वाले बनाने हैं। तो यहाँ पे इसमें हम डालेंगे और इसे में भी होल्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा हम क्लोज करके दिखा देते हैं, ये है कि उससे थोड़ा सा कम होल्स आते हैं, लेकिन ये अगर आपको मार्केट में अगर मिट्टी के बर्तन नहीं मिल रहे हैं तो इस तरीके से आप आयरन के तावे पर भी बना सकते हैं। तो इसकी जो पीछे के देख सकते हैं वो भाग है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि आयरन के तावे पर ज़्यादा हीट होते हैं तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। बस कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहे तो आयरन के तावे पर भी इसे बना सकते हैं। तो करीब आधे घंटे के बाद हम आपको इसे सर्व करके दिखा रहे हैं। आधे घंटे में ये फूल गए हैं। अगर इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसे आप 3 से 4 घंटे दूध में फूलने दें, उसके बाद सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, ऐसा मुंह में डालते ही ये घुल जाती है, इतना ये टेस्टी लगती है, क्योंकि ये हेल्दी भी है। हमने इसमें बिना किसी मसाले बिना किसी तेल का ये बनाया है, शुद्ध है ये, स्वादिष्ट है ये, हर तरह से ये बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरीके से आप बनाइए फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट में बताइए कि ये जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर किया वो कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।